हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। गाइस, जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज को भी साथ में। एक सेकंड, इसको यहाँ रख देती हूँ। आपके पर्सन की तरफ से फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई कांट फॉरगेट यू। आपके पर्सन आपको नहीं भूल सकते, वो कोशिश भी करते हैं तो भी फेल हो जाते हैं, इनको फेलियर ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने इनको इतनी मेमोरीज दी हैं, इतना इनको याद रखने के लिए इतनी यादें दी हैं कि ये चाहकर भी आपको नहीं भूल पाते। अगर ये कोशिश भी करें तो भी नहीं भूल पाएंगे। और मे भी हो सकता है कि आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। सो आपकी जो पर्सन है, नाउ दे आर रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और एक फाइट दिखी है। जैसे हो सकता है ये मे बी, अगर आप लोगों के, आप दोनों के कनेक्शन में अगर लोग इन्वॉल्व्ड थे जो कि नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक कनेक्शन में आए, इस कनेक्शन में आए, तो आपके पर्सन अभी उन लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार है। नेक्स्ट है न्यू हाउस। सो हो सकता है कि आपका कभी सपना था कि आपका एक घर हो अपने पर्सन के साथ, एक नया घर हो, आप इनके साथ हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन वो आपको नया घर देना चाहते हैं, या हो सकता है आप किसी नए घर में शिफ्ट करने जा रहे हैं, या आपके पर्सन किसी नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर अ डेट, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं, जी नहीं पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि चलो चलते हैं एक डेट पे। बैलेंस, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं और बैलेंस आ भी रहा है इनकी लाइफ में। नेक्स्ट है रेस्ट। ओके, ये तभी बैलेंस कर रहे थे गाइस अपनी लाइफ को या खुद को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुके हैं और रेस्टलेस नाइट हो रखी है इनकी, इनको रेस्ट नहीं है, ये देर रात तक सोते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते सोचते इनकी रात निकलती है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा, सीरियसली ये तो सुन के मैं भी सीरियस हो गई। आपके पर्सन बोल रहे हैं आपसे कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई नहीं है। सो अगर आपको डाउट है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये किसी थर्ड पर्सन से डील नहीं कर रहे, इनका आपके अलावा कोई नहीं है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश रहें, तो मैं आपको बता दूं ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ दिखाने के लिए है सोसाइटी को कि हाँ इनका इनके साथ भी रिश्ता है, बट दिल से ये आपके आपसे कनेक्टेड है, तभी तो वहाँ होते हुए भी ये अकेले फील कर रहे हैं खुद को। फैमिली एंड कार्मिक, सी मैंने कहा ना, अगर ये कोई फैमिली भी, इन्होंने इनकी कोई खुद की फैमिली भी है, तो ये उन वहाँ सिर्फ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, दिल से खुश नहीं हैं। आई लव यू बट आई एम टू स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, मे बी आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, बट ये जो कनेक्शन है इनको बहुत ज़्यादा डराता है। हो सकता है ये आपके जो पर्सन है ये हमेशा फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे, जहाँ ये सिर्फ इन्होंने अभी तक जो भी रिलेशनशिप इनके पास्ट में रहे, इन्होंने उन रिलेशनशिप्स में हमेशा एक लाइट एनर्जी में रहे हैं, ये नो कमिटमेंट नो फ्यूचर, बट ये जो कनेक्शन है ये इनको मजबूर कर रहा है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए भी। ये डर रहे हैं कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए, अगर फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपने मजबूर किया इस इंसान को सोचने पर कि आपकी प्रेजेंस अगर इनकी लाइफ में नहीं होगी तो ये क्या करेंगे। सो ये कनेक्शन इनको डरा रहा है
कि कहीं ये जो हमेशा इमोशन से डरते आए हैं, ये ज्यादा सीरियस नहीं होते थे किसी कनेक्शन को लेके, अभी इनको डर लग रहा है कहीं ये इतने ज्यादा सीरियस ना हो जाए कि ये अपनी ही फैमिली के खिलाफ कोई एक्शन ले ले. सो कहीं ना कहीं डर रहे हैं इस कनेक्शन से. आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी. ओके सो गाइस, आपकी जो पर्सन है चाहते हैं कि आप खुश रहें. मुझे पता नहीं ये मैसेज कैसे क्लिक हुआ, वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, लेकिन वो चाहते भी नहीं है कि आप इतना खुश रहें. कहने का मतलब ये है कि आपको ये दिल से चाहते हैं कि आपका भला हो, लेकिन जब ये आपको मूव ऑन करता देखते हैं या फिर आपको आगे बढ़ता देखते हैं तो फिर ये खुद को रोक नहीं पाते. ये इनको बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि इनको ऐसा फील होता है जैसे धीरे धीरे आप इनसे दूर जा रहे हैं. नेक्स्ट है, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट ईजिली. कहा ना मैंने, हमेशा इनके जो रिलेशनशिप रहे हैं इन्होंने उस रिलेशनशिप को कभी सीरियस नहीं लिया. ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन को रहे हैं हमेशा से. ये इजिली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते. हार्ट ब्रेक हो सकता है इनका पास्ट में हुआ है बहुत ज़्यादा. एम आई गुड इनफ, बट आप तो इनको क्या बताएं, इनको आपको इतना हाईली देखते हैं ना आपके पर्सन, ये खुद में कमियां ढूंढना स्टार्ट करते हैं. वो अलग बात है कि शो नहीं करते, वो अलग बात है, एटीट्यूड आपको भरपूर मिलेगा, ईगो दिखेगा, लेकिन ये खुद जब ये अकेले में बैठते हैं तो इनको फील होता है कि आपके लाइक नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो. थैंक यू फॉर लविंग मी. ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार किया इन्होंने आपसे जबकि ये इस लाइक नहीं थे. हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको बुरा बिहेवियर आपके साथ किया, बुरा बर्ताव किया. ये रिश्ता टूट है, कोई नहीं तोड़ सकता इसे. मैंने कहा ना, कोई स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों के बीच है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, और इनको भी ऐसा फील होता है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये इंसानों के बस की बात नहीं है तोड़ना. हाँ, यूनिवर्स ने अगर सोच लिया वो अलग बात है. वाओ, माय गुडनेस गाइस, अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले रीडिंग्स में, जब भी मैंने ये मैसेजेस निकाले हैं, आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं कितनी रीडिंग मैंने की है, इन मैसेजेस में लास्ट टाइम मैं ये कार्ड कब निकला था मुझे खुद को याद नहीं है. बहुत रिकंसिलेशन, परमानेंट यूनियन बता रहा है ये. आपके पर्सन आपसे परमानेंटली यूनियन चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर ख़त्म. हो सकता है अभी तक आप इसी में सफ़र कर रहे थे, आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, बट अभी ऐसा नहीं करेंगे. इनको परमानेंटली इस कनेक्शन में यूनियन चाहिए. क्या जिंदगी भर मेरा साथ दोगे? सी गाइस, अभी आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया वैसे, बट ये आपसे पूछ रहे हैं क्या जिंदगी भर साथ देंगे, आप इनका साथ देंगे? बताइए देंगे क्या. नेक्स्ट है, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग. बहुत भाग लिए, बहुत रेस लगा ली इन्होंने, बहुत आपको क्या लगता है इन्होंने कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की है इस इंसान ने आपसे दूर भागने की, इस कनेक्शन से दूर भागने की, लेकिन नहीं. अभी थक हार के इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी अगर ये रिकंसिलेशन करते हैं तो ही ये हैप्पी रह पाएंगे, अदरवाइज ये कहीं नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. इनको फील हो चुका है कि आपके बिना ये खुश नहीं रह पाएंगे. यू आर सो ब्यूटिफुल, सो आप इनको बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं, बहुत प्रीटी लगते हैं. जा नहीं लेती, वो एक सौ वो डायलॉग याद आ गया, जा वो हाथ धो, कौन राजपाल यादव जी, वो जब हाथ धो रहे होते हैं तो वो बोलते हैं जा नहीं धोता, तो वो याद आ गया बेटा, तारे जा नहीं लेती, ये वाला नहीं लूँगी मैं, मैंने ये चीज़ किया है. देखते हैं बस कुछ दिन और, मेरी चॉइस गलत नहीं थी गाइस. आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि बस कुछ दिन और वेट कीजिए, आ रहे हैं ये. क्यों आ रहे हो, रीज़न बताइए प्लीज़. सॉरी आई टोल्ड ए लाई, इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, उसके लिए सॉरी. हो सकता है ये आपको सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं. राम जी चलिए, अभी मेरे माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक ही हो गया, तो अभी इसका आंसर भी दे दीजिए. ये क्यों आ रहे हैं मेरे पर्सन की तरफ, बस कुछ दिन और, उसके बाद क्यों आ रहे हैं? एक रीज़न, एक स्पेसिफिक रीज़न राम जी, क्यों आ रहे हैं ये? जय सिया राम, इनका इंटेंशन क्या है इनकी तरफ आने का? जय सिया राम.
ओके ये इसलिए अरेंज गाइस, इन्होंने हर जगह जहां नहीं खाक छाननी थी वहां छानी है इन्होंने, और इनको समझ में आ गया कि ये जो रिश्ता है ये बहुत ब्यूटीफुल है बाकी कनेक्शन से। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ट्राई करके देख लिया, इन्होंने इस कनेक्शन से दूर भागने का कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, भाग के भी देख लिया, रन कर लिया, मूव ऑन कर लिया, बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लिया। एट द एंड इनको समझ में आ गया कि ये जो कनेक्शन ये बहुत ब्यूटीफुल है और इसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। अभी एक लास्ट मैसेज, हे राम जी, एक स्पेसिफिक मैसेज जो मेरे व्यूअर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल एनर्जी पे डिपेंड होगा ये जो मैसेज होगा ये इनकी आपके पर्सन की। हे राम जी, एक स्पेसिफिक मैसेज, जय सिया राम। आई केयर अबाउट अदर पीपल, क्या बोलूं। सो आपका जानना बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपके पर्सन को अभी भी परवाह है लोगों की कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, देखते हैं क्या कहेंगे लोग। एक और मैसेज राम जी, और क्या जानना ज़रूरी है इनका। छे सिया राम, लोग क्या कहेंगे, मुझे पहले तो आप ये बताइए हमें लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे इट्स सो पैनिक, वाह, लोग कहेंगे कितना दुखी है ये इंसान, कितना दुखी है, दुखी आत्मा, कितने दर्द में है ये इंसान। सो गाइज, जहाँ तक मैं मैसेज पिक कर पाई हूँ, ये सिर्फ मैं मजाक कर रही थी, ये आपकी पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज था जहाँ आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है। मैंने जैसे बोला लाइट चली गई, डार्कनेस आ रखी है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। सो अभी उनकी तरफ से एक सॉन्ग और देख लेते हैं, आपके पर्सन की तरफ से एक सॉन्ग। राम जी, ये बहुत ज़्यादा पेन में है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सॉन्ग भी रोने धोने वाला ही आएगा। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी पे एक सॉन्ग मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। जय सिया राम, कहा था ना रोने धोने वाला सॉन्ग, वही आ गया। तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मिलो के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों। क्वेश्चंस कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इस कनेक्शन में इतना दर्द क्यों है, इस कनेक्शन को मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, इस कनेक्शन में रन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस कनेक्शन से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैंने बाकी भी लोगों को ट्राई किया है, बाकी भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, फिर भी ये कनेक्शन मुझे क्यों मजबूर करता है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। गाइस, पहली दफ़ा ये इनके साथ पहली बार हो रहा है गाइस, ठीक है, पहली दफ़ा। ये एक सॉन्ग है आतिफ असलम जी का, ये सॉन्ग है, सुन लीजिएगा, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है, ज़रूर सुनिएगा। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है, रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।